नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो कि हर किसान भाई के मतलब जो भी थ्रेशर लेता है उसके मन में रहती है कि कौन सा थ्रेशर सही रहता है। मूंगफली के लिए ले हो चाहे मक्का के लिए, सरसों, गेहूँ, कौन सा थ्रेशर किस चीज़ में सही रहता है वो हम आपको आज बताने वाले हैं। क्योंकि किसान भाई जब भी थ्रेशर लेता है तो एक बार वह सोचता है कि कौन सा थ्रेशर बेस्ट है, क्योंकि थ्रेशर एक ही बार लेने आता है, महंगे रहते हैं, चीज़ महंगी रहती है, तो किसान भाई के पास पैसे ऐसे नहीं आते, वो मेहनत के रहते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि कौन सा थ्रेशर बेस्ट है और पैसा एक ही बार इन्वेस्ट होता है थ्रेशर के अंदर, तो कौन सा ले वो सोचने में ही हो जाता है कि कौन सा बेस्ट है। तो आज हम बताने वाले हैं कि कौन सा थ्रेशर कौन सी फसल में बेस्ट रहता है या सही रहता है। तो किसान भाई के कौन सा थ्रेशर बेस्ट रहेगा वो आज हम बताएंगे आपको। किसान भाई को तीन थ्रेशर बताएंगे हम आज, जो कि अलग अलग चीज़ में अलग अलग फ़ायदेमंद है। तीनों मतलब मक्का के लिए, मूंगफली के लिए और सोयाबीन, गेहूँ, चना, इनके लिए मतलब अलग अलग मॉडल सक्सेस हैं जो हम आज आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको मक्का थ्रेशर के बारे में बता देते हैं। मक्का थ्रेशर हमने कुछ चला के देखा है, जंगीर का थ्रेशर ही सबसे बेस्ट रहा है इसमें, क्योंकि इसका एवरेज देखें तो एक घंटे में 60 क्विंटल से ऊपर ही निकलता है, 60 के नीचे नहीं आता है, एवरेज इसका बहुत सही है। और सफाई के मामले में देखें तो सफाई इससे बेस्ट कौन सा थ्रेशर नहीं लगा, क्योंकि हमने खुद चला के देखा है कि मक्का थ्रेशर के लिए यह सबसे बेस्ट है और बहुत ही आरामदायक थ्रेशर है ये, ना ही तो ट्रैक्टर के ऊपर लोड आता है और फसल एकदम अनाज साफ आता है, एवरेज काफ़ी अच्छा है इसका और किसान भाई के लिए बहुत ही सही थ्रेशर है यह मक्का के लिए। इस थ्रेशर के अंदर सफाई का इतना अच्छे से ध्यान रखा है कि हर एक चीज़ एकदम ध्यान से लगाई गई है, जो कि बहुत ही अलग है। और सफाई देखें तो एक नंबर आती है इसके अंदर, कोई फसल में ना ही तो नुकसान वाला काम है और ना ही किसान भाई के कोई मतलब फसल एकदम साफ और क्लियर आती है। तो मक्का के लिए जंगीर थ्रेशर बहुत ही अच्छा थ्रेशर है। सेकंड नंबर पे आता है अपना जो है मल्टी क्रॉप थ्रेशर, जिसके अंदर गेहूं, सरसों, सोयाबीन, चना, धनिया, ये सब गोल मतलब मल्टी क्रॉप थ्रेशर है ये। मूंगफली और मक्का को छोड़ के इसके अंदर टोटली अनाज निकल जाता है, टोटली फसल निकल जाती है इस थ्रेशर के अंदर। तो ये थ्रेशर है जंगीर की तरफ से, 45 इंच में है ये, जो कि जंगीर नाम से ही फेमस है ये, क्योंकि इसके अंदर सुविधाएं इतनी अच्छी है और एकदम बेस्ट क्वालिटी में मान सकते हैं आप इसको, में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है जिसकी किसान भाई को ज़रूरत है। और इसके अंदर काफ़ी मतलब दूसरे थ्रेशर के मुकाबले सुविधाएं काफ़ी अच्छी अच्छी है, जिससे हम अगर फसल की बात करें तो एकदम सफाई से काम होता है। और किसान भाई को इसके अंदर जो भी है मतलब बार बार अपन देखते हैं कि थ्रेशर चलाते समय हवा कम ज़्यादा करनी पड़ती है कई थ्रेशरों में, क्योंकि वो बार बार इसकी सेटिंग बिगड़ जाती है, कोई थ्रेशर हैं ऐसे जिसमें बार बार सेटिंग बिगड़ जाती है, जिससे कि चलाने वाले के भी नुकसान है और किसान भाई के भी नुकसान है, जिसके थ्रेशर चल रहा हो तो वो भी बहुत नुकसान वाली बात है उसके अंदर वो।
इसके अंदर सुरक्षा की बात करें तो हर एक चीज़ की छोटी छोटी जगह पे भी सुरक्षा एकदम अच्छे से सेफ्टी गार्ड लगा रखा है। कहीं पे कोई नुकसान वाला काम नहीं है कि कहीं पे किसी के लग जाए तो वो वाला कहीं पे है रखा ही नहीं है जिसमें किसान भाई को परेशानी देखनी पड़े। इसके अंदर एक एक चीज़ का ध्यान रखा है, हर चीज़ को एकदम सही से फिट किया है और जो भी सुविधा इसके अंदर चाहिए और पूरी सुविधा आपको इसके अंदर मिल जाएगी। कहीं पे भी देख सकते हैं आप जो सुविधा आपको चाहिए नहीं चाहिए वो भी आपको इसके अंदर पूरी है मिली हुई है। कहीं पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये सुविधा इसके अंदर कमी दे रखी है इस थ्रेसर में, वो ऐसा कहीं पे भी आपको नहीं लगेगा, ऐसा थ्रेसर है ये। तीसरे नंबर पे आता है हमारा ये एनवीटी की तरफ से है ग्राउंड नट निकालने के लिए, मतलब मूंगफली थ्रेसर है ये ग्राउंड नट बैक टोकरी थ्रेसर है। ये थ्रेसर अभी नया नया ही लॉन्च हुआ है जिसके अंदर पहले क्या साइड में टोकरी आती थी, अब पीछे दे दिए बैक टोकरी के नाम से थ्रेसर है ये ग्राउंड नट बैक टोकरी, जिससे कि किसान भाई के लिए बहुत ही सुविधाजनक काम हो गया है ये। क्योंकि साइड टोकरी में किसान भाई को बहुत ही मतलब आपत्ति आती थी फसल निकालने के लिए और जो थ्रेसर चलाता था उसके भी बहुत आपत्ति वाला काम था क्योंकि हर जगह टोकरी को ऊपर नीचे करने में बहुत दिक्कत होती थी, तो वो दिक्कत अब नहीं आती है, वो एकदम ख़त्म ही कर दिया है उस दिक्कत को। थ्रेसर के अंदर मूँगफली जो है दूसरे थ्रेसर के मुकाबले काफ़ी अच्छी सुविधा के साथ निकलती है, एकदम सफाई से आती है। जो सुविधा चाहिए आपको वो उपलब्ध है, हवा के साथ प्रेशर से फेंकना है तो वो है, ट्रॉली में डालना है तो वो सुविधा भी है, इलेक्ट्रिक की सुविधा दे रखी है इसके अंदर। और साथ ही इस थ्रेसर में चना भी निकल जाता है जो आपको भले छोटा चना हो या डालर चना हो, दोनों चनों में अलग अलग जाल डलती है तो उस हिसाब से इसके अंदर दोनों फसल निकल जाती है। टोकरी के मुकाबले इस थ्रेसर में काफ़ी कुछ चेंज किया है क्योंकि अभी यह नया लॉन्च हुआ है, तो उसमें क्या साइड टोकरी में थ्रेसर का पलटने का डर ज़्यादा रहता था तो पलटते थे वो, तो इसके अंदर वो पलटने का कोई काम नहीं रहा है तो वो डर एकदम ख़त्म ही हो गया है। इसमें इस थ्रेसर में पलटने का कोई डर नहीं है और काफ़ी कुछ चेंज किया है इस थ्रेसर के अंदर जिससे कि किसान भाई को कोई दिक्कत ना आए, उस हिसाब से इस थ्रेसर को लॉन्च किया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और कौन सा थ्रेसर बेस्ट है, अगर आपको कोई कमी लगी हो तो वो भी हमें ज़रूर बता दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको ऐसा लग रहा हो कि हमारे को इस थ्रेसर के बारे में बोला है कि कौन सा थ्रेसर बेस्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने खुद ने थ्रेसर चला के देखे हैं कि कौन सा वाला बेस्ट है कौन सा नहीं है। कोई ये नहीं है कि आपको कंपनी वालों ने बोला या नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमने खुद चला के देखा है और हमारे हिसाब से बता रहे हैं। बाकी जंगीर कंपनी में भी यह साइड टोकरी थ्रेसर आता है मूँगफली के लिए, तो इस थ्रेसर में भी बहुत मतलब इसके टाइम पे यह बहुत ही अच्छा चला है और बाद में क्या इसके अंदर बैक टोकरी इस साल लॉन्च नहीं हुआ वो भी अगले साल हो जाए, तो जंगीर थ्रेसर में मूँगफली का भी बहुत अच्छे से रिजल्ट है, इसका बहुत सही रिजल्ट था। तो अब क्या ज़माने के हिसाब से चलना पड़ता है, बैक टोकरी चाहिए किसान भाई को तो बैक टोकरी ही चाहिए, साइड टोकरी में वो वाला अब नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से अभी चल रहा है जो ये एनवीटी का मूँगफली थ्रेसर है बैक टोकरी जो अभी सबसे बेस्ट है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो धन्यवाद किसान भाइयों।